हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हैं और अभी बड़े नेता अभी कोई नहीं आए हैं। पार्टी स्पोक्सपर्सन्स ज़रूर हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि सब लोग नर्वस ज़रूर हैं। अश्विनी उपाध्याय हमसे बात कर रहे हैं, थोड़ा नर्वस हैं आप आज? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो अभी ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद हमें पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सरकार बना लेंगे। राजस्थान में हमें थोड़ा डाउट है, राजस्थान में हो सकता है हमें स्पष्ट बहुमत न मिल पाए, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम राजस्थान में रहेंगे। बट क्या कारण है राजस्थान आप कह रहे हैं इतना स्ट्रांग नहीं है, क्या कारण है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो पिछले 20 साल में वहाँ एक ट्रेंड बन गया है, जनता की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे कि सरकारें उसको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, बार बार चेंज हो रहा है वहाँ पे। दूसरा, पिछले 5 साल की सरकार के दौरान हमारा ध्यान संगठन पे थोड़ा कम रहा, सरकार की तरफ लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया, संगठन उससे लगता है थोड़ा सा। तो स्टेट लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप, जो आप कह रहे हैं वो विफल रही, संगठन थोड़ा सा कमज़ोर रहा। हालांकि पिछले 3 महीने में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ प्रवास शुरू किया और उसके बाद सब बड़े नेता वहाँ गए और एक एक जिला सबको बांट दिया, हर एक नेता को एक एक जिला दे दिया और इस तरीके से लोगों ने काम किया और मतलब गांव-गांव जाके काम किया है, तो पिछले तीन महीने में रिवाइव हुआ है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि हो सकता है कि हमें कुछ सीटें कम पड़ जाए। हमने काफ़ी जब ये एरियाज गए थे, स्टेट्स गए थे, और वहाँ देखा था कि फार्मर्स इशू जो है खासतौर से बहुत एक कॉमन थ्रेड होके आ रहा है अक्रॉस स्टेट्स, वो कितना हावी रहेगा इन चुनाव में और ख़ासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि सरकारें बीजेपी की हैं? देखिए, जो फार्मर इशू है ये केवल राजस्थान में नहीं है, ये हर जगह आ रहा है। क्या ये बीजेपी के लिए अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है जो नाराज़गी है जो भी मौजूदा सरकार पर अक्सर पड़ती है, तो क्या एक फैक्टर हो सकता है? किसानों का विषय एक हो सकता है, हमें भी लगता है कि हाँ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे पता है आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, PIL मैन कहलाते हैं आपको बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हैं अभी, आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा एक तरीके से सन्नाटा है मेन हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि अभी कोई बड़े नेता नहीं आए, पार्टी स्पोक्सपर्सन्स हैं यहाँ पर, और अभी भी उनका कहना है कि फाइट ज़रूर है। ये मान रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी कि फ़ाइट ज़रूर है, कॉन्टेस्ट एक है राजस्थान, जैसे आपने सुना अश्विनी उपाध्याय से उनका कहना कि राजस्थान लगता नहीं है उनकी सरकार बनेगी, लेकिन उनको अभी उम्मीद है कि शायद पार्टी सिंगल लार्जेस्ट उभर के आएगी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सवाल है, उनका कहना है कि उनके हिसाब से बीजेपी अभी भी कॉन्टेस्ट में है और यही प्रेडिक्शंस आ रही हैं। अब ये है नज़ारा बीजेपी हेड क्वार्टर्स का, अभी वापस चलते हैं स्टूडियो।